हमारा लगभग 5,000 करोड़ का ईयरली लॉस है, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि शायद, देखिए एक बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पर मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से उत्तराखंड के लिए अनेकों पैकेज देते हैं, चाहे हमारे चारधाम यात्रा मार्ग हो, चाहे हमारे नमामि गंगे का विषय हो, चाहे हमारे अन्य जितने भी प्रोजेक्ट्स हमारे आए हैं, वो माननीय प्रधानमंत्री जी कृपा से आए हैं। उनका एक ऐसा लगता है जैसे केदारनाथ जी की हम बात करें, बद्रीनाथ जी का काम शुरू होने वाला है, तो हमें ऐसा लगता है जैसे उनका अपना ही होम स्टेट है। तो ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि वो हमारे ऊपर इस प्रकार का, जो पूरे देश भर से हमारे चारधाम यात्रा में लोग आते हैं, हमारे यहाँ पर्यटक बहुत बड़ी संख्या में आ रहे हैं। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग से अलग आप अलग से भी आप इस मंत्री से मिल रहे हैं? हाँ हाँ, अलग से मिल रहा हूँ। उसमें मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हमारी बात को गंभीरता से लेंगे और जरूर इस पर कुछ ना कुछ, मतलब ये है कि कंपनसेशन आगे ना बढ़ता है, लेकिन कोई दूसरा भी विकल्प मिलता है तो हम तो हर तरह से तैयार है। हमें तो अपना जो प्रतिपूर्ति है किस तरह से हम उसकी भरपाई करें, ये हमारा। अगर कंपनसेशन एक्सटेंड कर देते हैं तो कितने साल तक एक्सटेंड कर देना चाहिए आपके हिसाब से? वो तो उनका विषय है, वो जैसे भी चाहेंगे, हम तो चाहेंगे हमेशा के लिए हो जाए हमारी बात।